नमस्कार दोस्तों, मैं विनायक बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आज की इस नई वीडियो में। फ्लाई दुबई से बड़ी जानकारी देने जा रहे हैं, वीडियो को पूरा देखिए। उसके पहले अगर आप चैनल पर नया हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो ताकि आने वाली कोई भी अपडेट आप हमारे चैनल से मिस ना कर सकें। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे, फ्लाई दुबई ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करी हैं। आपको बता दें, फ्लाई दुबई ने वीक में 2 बार कोलंबो श्रीलंका के लिए उड़ानें शुरू कर दी हैं। ये उड़ानें 17 फरवरी से शुरू की जाएंगी। आपको बताना चाहेंगे, ये उड़ानें दुबई के टर्मिनल 2 से ऑपरेट की जाएंगी। साथ ही जो अगर आप बुकिंग करवाना चाहते हैं इन फ्लाइटों में तो आप बुकिंग करवा सकते हैं। बुकिंग के लिए आप flydubai.com पर जाकर बुकिंग करवा सकते हैं। साथ ही आपको बताना चाहेंगे, एयरलाइन ने और अधिक जगहों के लिए उड़ानें शुरू करने की बात कही है और कोलंबो के फ्लाइटें शुरू करने के साथ इसी के साथ एयरलाइन 70 से अधिक जगहों के लिए उड़ानें शुरू करने का जो काम है वो पूरा कर लेगी। आपको बताना चाहेंगे, फ्लाई दुबई ने ऑलरेडी यहाँ पर दोहा, इस्तांबुल, मालदीव, माल्टा, मिस्क, तेल अवीव जैसी जगहों के लिए भी जो उड़ानें हैं वो शुरू करने का जो प्रयास है वो किया है और आने वाले समय में इन जगहों के लिए फ्लाइटें शुरू करेगी। तो ये है अभी तक की कुछ बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। फ्लाई दुबई से कैसे लगी आपको कमेंट करके बताएं। अगर आपका कोई भी सवाल, सुझाव या सजेशन है तो आप हमें बेशक कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं इंडियन गुरु, मैं हूं आपका दोस्त नायक। मिलता हूं नेक्स्ट वाली जानकारी के साथ। टिल देन जय हिंद, वंदे मातरम।